नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीप और आप देख रहे हैं टेक रोज़ाना, जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम यूज़ करते हैं रोज़ाना। तो क्या आप एक 55 इंच का टीवी लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। शाओमी ने जो है अपना मी टीवी 4 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये 55 इंच का 4K अल्ट्रा HD टेलीविज़न है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट टेलीविज़न है। जो इसका पैनल है वो सिर्फ 4.9 मिलीमीटर्स थिक है, मतलब एक जो आपका आईफोन है आईफोन से भी पतला है, तो उतना पतला इसका पैनल है। हालांकि नीचे का कुछ हिस्सा जो है वो मोटा है, वो तकरीबन 48 mm तक जाता है। दूसरा, इसके अंदर जो स्पीकर्स दिए गए हैं वो 8 वॉट के दो स्पीकर्स दिए गए, जिसके अंदर डॉल्बी ऑडियो और DTS HD ऑडियो दोनों ही का सपोर्ट है। जो प्रोडक्ट है ये लॉन्च किया है शाओमी ने 39,999 यानी 40,000 रुपये के अंदर, और 22 फरवरी का इसका फर्स्ट सेल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इसी के अंदर साथ में जो है इसके अंदर हमें एंड्रॉयड का 6.0 का वर्जन मिल जाता है। और साथ ही इस चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर एक 1.8 GHz का चिपसेट है और 2 GB की रैम दी गई है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। और इसमें एक जो खासियत जो शाओमी ने बताया वो ये है कि उन्होंने जो इसका इंटरफेस है, जिसको ये पैच वॉल इन्होंने नाम दिया है, वो एक नया इंटरफेस बनाया है इंडिया के लिए, जिसके अंदर आपकी सारा कंटेंट सीमलेसली आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपका जो सेट टॉप बॉक्स का कंटेंट है वो भी आप उसी के अंदर देख पाएंगे सीमलेसली। और जो इसका शाओमी ने जो इसके साथ में रिमोट दिया है, वो एक ही रिमोट से आप आपका टीवी भी कंट्रोल कर सकेंगे और उसी रिमोट से आप आपके सेट टॉप बॉक्स के, बिकॉज वो पैच वॉल के अंदर ही कंटेंट आ रहा है, तो वहीं से आप सेट टॉप बॉक्स को भी एक तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एक रिमोट आप टीवी के लिए रखते हैं, फिर एक रिमोट आपको सेट टॉप बॉक्स के लिए अलग रखना पड़ता है। तो शाओमी ने उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया है। तो अब 22 फरवरी को ये लॉन्च हो रहा है, इसका फर्स्ट सेल जो है वो होगा स्टार्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको यूज़ करके इसे परचेज कर सकते हैं। तो बस ये क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करना था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये न्यूज़ मिल सके। और अगर अभी आपके मन में कोई दूसरा सवाल है इस चीज़ को ले, इस प्रोडक्ट को लेके, या और कोई टेक रिलेटेड क्वेरी है, तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दबाइए उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को, ताकि हमारे वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको मिल सके नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।